छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने शेष बजे प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसमें सरायपाली विधानसभा से चातुरी नंद का नाम फाइनल होने के बाद उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी घोषित होने के बाद चातुरी नंद ने सरायपाली राजमहल पहुंचकर बसना विधानसभा से प्रत्याशी और विधायक राजा देवेंद्र बहादुर सिंह से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। चातुरी नंद ने बातचीत में बताया कि कांग्रेस पार्टी ने जो उन पर विश्वास जताया है, उन पर भरोसा करके उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए उन्होंने तमाम शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा में उनके सामने एक महिला प्रत्याशी और खड़ी है और उन्हें विश्वास है कि उनके साथ क्षेत्र की जनता का, माता बहनों और भाइयों का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप क्षेत्र की जनता के विश्वास में खरा उतरेगी। सामने जरूर एक सशक्त महिला हावे, पर हमर भी टीम में कोनो कमजोरी नहीं है। हमन सब साथ मिल के आज तक के जो लड़ाई लड़त आए हैं अक्सर सफल हो हन, और अभी तो मोर बड़े भाई मन के मोर ऊपर आशीर्वाद है तो मैं जरूर जो है मैं खरा उतर हाँ और कांग्रेस पार्टी ला में कोटि कोटि धन्यवाद देवा था। समर्थकों में भारी उत्साह है और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हैं और सब मिलकर के कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। चातुरी नंद को सरायपाली विधानसभा के अगली विधायिका बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश से परिपूर्ण हैं और भूपेश बघेल की सरकार ने जो काम किया है वो बहुत हमारे काम आने वाला है।